आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी हिंदू वैष्णव परंपरा के एक प्रमुख विद्वान हैं। हमने ये खोजा कि हमारे कौन से व्यवहार के सद्गुण हैं जो हमारे जीवन को टिका सकते हैं, अपने ऊपर उसका भार वहन कर सकते हैं और हम सुखद रूप से अपने जीवन को जी सकें। तो हमने सूची बनानी शुरू की, सत्य जोड़ा, अहिंसा भी जोड़ दी उसमें, फिर उसमें प्रेम भी जोड़ दिया, फिर संतोष जोड़ दिया, फिर सरलता जोड़ दी। और आपको मजा ये होगा कि ये आज भी ओपन एंडेड लिस्ट है, ये धर्म की लिस्ट बंद नहीं की गई है। धर्म माने धारण करने वाले मूल्य और प्रक्रियाएं, द प्रोसेसेस एंड द वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स एंड द वर्च्यूज। मजा ये है कि इसमें हर धर्म, हर वैल्यू परम धर्म है, हर वैल्यू परम धर्म है, ये बड़ी विलक्षणता है। सत्य इज परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हर शब्द को आप जोड़ते जाइए वो सब परम धर्म है। अपने आप में वो स्यू जेनरिस हैं, एब्सोल्यूट हैं और अल्टीमेट हैं। किंतु एक दूसरा कैच है उसमें बहुत विलक्षण, और ये हमारे ऋषियों की एक अद्भुत सोच है कि ये जितने भी धर्म हैं ये एब्सोल्यूट होते हुए भी इन देमसेल्व्स दे आर इंटीग्रली रिलेटेड एंड दे आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड। ये जो नारा चला अहिंसा परमो धर्म, तो उसका मूल आता है महाभारत से। और ये बड़ी विलक्षण बात है कि महाभारत के खेल में जितनी हिंसा हुई मानव इतिहास में कभी नहीं, और वह महाभारत कह रहा है अहिंसा परमो धर्म। किंतु वो अहिंसा यच सत्य प्रतिष्ठता विच इज फाउंडेड ऑन ट्रुथ, इट इज नॉट फाउंडेड ऑन अनट्रुथ। वही अहिंसा परम धर्म है जो सत्य पे आधारित है, जो भय पे आधारित है वो अहिंसा नहीं है। धर्म क्या है? अहिंसा है। और वह अहिंसा क्या है? एक सार्वभौम गुण है जो मानव मात्र पे पाया जाता है। उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए करुणा, कंपैशन, वो हिंसा देखकर और दैवीय हिंसा देख के, विनाशाय दुष्कृताम, विनाशाय दुष्कृताम, मारकाट मारकाट मारकाट, मत्स्यावतार से लेके और अभी तक मारकाट मारकाट चल रहे, तो करुणा पिघल गए। उन्होंने कहा अब मारकाट बंद करनी, दिस वर्ल्ड विल नॉट सस्टेन इवन वन सेकेंड विदाउट भक्ति। एंड भक्ति इन हिंदी मीन्स सेवा, इन संस्कृत ऑल्सो इट मीन्स सेवा, इन इंग्लिश द प्राइमरी मीनिंग इज सर्विस। तो ही सैड सेवा ही परमो धर्म। जब तक सेवा को परम धर्म के रूप में एस्टैब्लिश नहीं करोगे, न सत्य की उपयोगिता है, न अहिंसा की उपयोगिता है, न संतोष की, न शील की, न किसी और धर्म की। तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरे को समझना हो कि यदि हम दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम दूसरे के दर्द को समझने की चेष्टा कर सकते हैं।